आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी और मोदी को घेरने के लिए विपक्ष ने कवायद तेज की कर दी है। इसी कवायद के तहत बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम ममता बनर्जी से मिलने बंगाल पहुंचे। ममता बनर्जी भी नीतीश कुमार का स्वागत कुछ इस प्रकार किया। तीनों बड़े नेताओं के बीच आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर के कई मुद्दों पर मंथन किया गया। इस बड़े मीटिंग में कुछ इस बार अलग देखने को मिला। पहली चीज़ तो ये मीटिंग एक बेहद सामान्य कमरे में की गई, लकड़ी की तीन कुर्सियां और बीच में एक टेबल। और दूसरी बात ये, जब तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ममता बनर्जी बीच में बैठाया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बैकग्राउंड था वह हूबहू पीएम मोदी के तिरंगे वाले बैकग्राउंड के तरह था। यह देखिए, अक्सर प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बैकग्राउंड के साथ में देखे जाते हैं। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बातचीत बहुत बढ़िया रही। देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है, तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। सभी लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है और बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई। इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग एकजुट हो गए, बीजेपी को हीरो से जीरो बनाने के लिए हम तैयार हैं। नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है, हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था, अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है क्या मैनिफेस्टो है वो सब बाद में बताएंगे, लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके, मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबके साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिल के हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली। इसके साथ ही नीतीश कुमार यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को साथ लाने की कवायद में जुटे हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ दिल्ली में राहुल गांधी से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यूपी, बिहार और बंगाल अहम तीन राज्यों की 162 सीट, यूपी में 80 लोकसभा सीट, बिहार में 40 लोकसभा सीट और बंगाल में 42 सीटों है। तीनों राज्यों में कुल मिलाकर के 162 सीट हो जाती है, जो लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। अभी बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह कांग्रेस के साथ किसी भी मुद्दे में एक साथ कभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के चुनाव में उतरने को तैयार है विपक्षी, लेकिन वो फार्मूला क्या होगा यह अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। कॉमन मिनिमम प्लान क्या होगा यह भी अभी तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट पीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। दूसरी ओर शरद पवार से लेकर के केसीआर तक, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी तक और नीतीश कुमार तक सभी सपना सजाए बैठे हैं पीएम का। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ उनका महाविकास अघाड़ी गठबंधन 2024 के गठबंधन रहेगा भी या नहीं ये कह पाना मुश्किल है। इसमें सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2024 में विपक्ष क्या मोदी के सामने युद्ध करने में लोकसभा चुनाव में क्या एकजुट हो पाएंगे? महागठबंधन क्या अपना पीएम को चुन पाएगा मोदी के खिलाफ मैदान में उतारने के लिए? क्या मोदी को टक्कर देना आसान होगा? यह आने वाले दिनों में साफ कुछ ही दिनों के बाद तय हो जाएगा। द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स में और BBC 24x7 में आप सबका स्वागत।